हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस प्लेस पे जाने वाला हूँ फॉर व्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द ब्लॉग। गाइस, आप देख सकते हैं मंदिर का बाहर से व्यू। जाते समय बीच में ही पड़ता है हनुमंत धाम मंदिर। आज मंगलवार है, चलिए पहले हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं कोनेश्वर टेम्पल। जय हनुमान जी। अभी हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं कोनेश्वर मंदिर शिव जी का दर्शन करने। अभी मैं पहुंच चुका हूं कोनेश्वर टेंपल, लेकिन मंदिर जो है 4 बजे के बाद खुलेगी, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, हम लोग को 4 बजे तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद शिव जी का दर्शन करेंगे। अभी बज रहा है 2:30 और 4 बजने में 1.5 घंटा है। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कोनेश्वर टेम्पल पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी मंदिर बंद है। गाइस, ये जो मंदिर है, यह चौक स्टेडियम लखनऊ से थोड़ी दूर पर कोनेश्वर चौराहा के जस्ट बाजू में ही स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह जो कोनेश्वर मंदिर है वह त्रेता युग से चला आ रहा है। अभी 4 बजने ही वाला है, मंदिर खोलने का टाइम हो चुका है। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं ये मंदिर खुल चुका है, चलो आपको कराते हैं शिव जी का दर्शन। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी का जो पिंड है यह बीच में नहीं स्थित है। जैसा कि गाइस आप जानते हुए होंगे कि जो शिव जी का पिंड रहता है वो मंदिर के बीच में स्थित रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो शिव जी का पिंड है ये मंदिर के कोने में स्थित है। कुछ पंडित और भक्तों ने बहुत प्रयास किया कि शिव जी का जो पिंड है वो बीच में स्थापित करते, लेकिन यहाँ पे जो ये पिंड है अपने आप कोने में चले जाता था। ऋषियों के बहुत तपस्या के बाद जो पिंड है यह कोने में स्थापित किया है। ये है मंदिर का अंदर से भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का प्रतिमा स्थित है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम मंदिर अयोध्या का मॉडल यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, ये जो पिंड है यह कहीं से लाकर यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया, यह स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुआ था, तभी से इसकी पूजा होती है। यह पिंड है, ये मंदिर के बीचों बीच स्थित नहीं है। बहुत प्रयास किया ऋषि मुनियों ने कि इस पिंड को बीच में स्थित कर दे, लेकिन यह पिंड अपने आप मंदिर के कोने में चला जाता था, इसलिए इस पिंड को कोने में ही रखकर इसकी पूजा की जाती है। मंदिर की वीडियो जो है दूसरों तक पहुँचाए, क्योंकि लोग यहाँ के बारे में जाने, और अगर वो लखनऊ में रहते तो इतने अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पे आया और यहाँ का दर्शन करें। तो गाइस, ऐसे ही मंदिर के नए नए वीडियोस आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा।
से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इस न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।